से कोरिलेटर के क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं, वो नहीं उसमें पूछे थोड़ा थे, घबरा गया। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या आपने बताया, आपसे जो पूछा गया आप बताइए, बीच में इंट्रोडक्शन से सबसे नहीं बताइए, आप अपना एक्सपीरियंस पहले बता सर दीजिए। पूछा गया था यूजी कहाँ हुआ और कब हुआ, फिर आपसे पूछे कि आप पीजी भी किए हैं, किससे किए हैं और किस इंस्टीट्यूट से किए हैं, तो बता दिया मैंने सोशल साइंस से और बीएससी से किया है। फिर उन्होंने कहा कि आप अभी क्या कर रहे हैं फिलहाल, तो बोल दिया मैंने एफसीआई में जॉब कर रहा हूँ। किस टाइप का जॉब कर रहे हैं, क्या काम है आपका वहाँ, तो बोल दिया मैं वहाँ का एज ए क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल काम कर रहा हूँ, वहाँ जो गोडाउन में क्वालिटी मेंटेन करने होते हैं वो तो सारा काम देखना होता है। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि आपका थेसिस का टॉपिक टॉपिक मैटर क्या था, तो बता दिया मैंने कि एडजॉर्प्शन एंड फ्रैक्शनेशन ऑफ फॉस्फोरस इन वर्टिस वर्क। तो फिर उनको समझ में नहीं आया तो बोले क्या होता है फ्रैक्शनेशन एडजॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस क्या होता है, तो फिर मैंने ये समझाया उनको। तो फिर वो बोले कि आप जो किए हैं ये वर्क किए रिसर्च किए इससे किसान को क्या मतलब फायदा होगा, तो सर मेरा इसमें ट्रीटमेंट में कुछ और एफवाएम का एप्लीकेशन था और ये फर्टिलाइजर का भी एप्लीकेशन था, तो सर ऑर्गेनिक डालने से क्या होता है कि सॉइल में जो फॉस्फोरस होता है उसका एबिलिटी बढ़ जाता है, मतलब जो एडसॉल्व फॉस्फोरस होता है उसका वो सॉल्यूशन में आ जाते हैं, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया। उससे फिर वो पूछे कि ऑर्गेनिक मैटर कैसे फॉस्फोरस को इंक्रीज, मैंने ये भी एक्सप्लेन किया। फिर वो पूछे कि ऑर्गेनिक मैटर डालने से सॉइल में क्या क्या इफेक्ट होगा, अगर वहाँ मैंने बताया एरेशन प्रोवाइड करता है, माइक्रो माइक्रोस का पॉपुलेशन बढ़ता है। वहां सर मैंने गलती कर दिया ये कि वहां मैंने बोल दिया कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब पहले बोला मैंने वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, फिर वो सर क्रॉस क्वेश्चन किए मेरे से कि बढ़ाता है या घटाता है, तो फिर वहां मैं थोड़ा पैनिक हो गया और मैं उसको पोरोसिटी से कोरिलेट करने लगा, क्योंकि सर ऑर्गेनिक मैटर डालने से पोरोसिटी बढ़ जाता है, तो फिर मैं वहां पे बोल दिया कि सर वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, ठीक है, तो वो थोड़ा स्माइल करने लगे। उसके बाद फिर वही बोले कि बिहार में कौन सा फर्टिलाइजर यूज होता है, तो बता दिया एनपीके जो भी कॉमन यूज होते हैं। फिर पूछे कि मिक्स फर्टिलाइजर क्या होता है बताओ, ये भी बता दिए। फिर वो एक क्वेश्चन पूछने लगे सेकेंडरी फर्टिलाइजर क्या होता है, तो सर मैंने इसका नाम पहली बार सुन रहा था, लेकिन शायद वो पूछना चाह रहे थे कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट क्या होता है, तो वहाँ मैं उतना रिकॉल नहीं कर पाया, तो मैंने सॉरी बोल दिया सर मैंने ये सब नहीं सुना। उसके बाद फिर पूछे सेकेंडरी टिलेज क्या होता है, एग्जाम्पल बताओ इसका। फिर वो मुझे एक पेन पेपर दिए, पेन और पेपर, बोल रहे 100 kg नाइट्रोजन है डालना है, कितना यूरिया निकलेगा निकलेगा कैलकुलेट कर बताओ, तो ये भी मैंने कर दिया कैलकुलेट। फिर वो रोल ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है, फॉस्फोरस क्या होता है, ये चीज़ पूछे। फिर फर्टिलाइजर एंड मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है ये, और फिर पूछे कि इंडिया में सॉयल साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, बता दिया भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस। फिर कुछ जर्नल्स का नाम पूछे कि सॉयल से है जर्नल्स बताओ कुछ, तो मैंने बताया 3-4 जर्नल्स का नाम बताया। फिर उसका नाश रेटिंग पूछे तो मुझे नहीं आ रहा, सॉरी बोल दिया। उसके बाद सर उसके बाद सर फिर पूछे कि अभी बिहार में क्या इनोवेटिव वगैरह चल रहा है एग्रीकल्चर फील्ड में, तो मैंने बताया सीआरए के बारे में थोड़ा बहुत पता है और ये ऑर्गेनिक ऑर्डर के बारे में बताया। फिर वो पूछे ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में क्या डिफरेंस है, तो मैंने बताया दोनों में ही टाइम हम लोग इनपुट बाहर से यूज कर सकते हैं लेकिन नेचुरल में यूज नहीं करते हैं, जैसे अफवाइम कम्पोस्ट ऑर्गेनिक यूज करते हैं लेकिन नेचुरल में यूज नहीं करते हैं। फिर वहां से क्रॉस क्वेश्चन किए थे सर कि आप सही बोल रहे हैं एफवाएम तो हम लोग यूज करते हैं नेचुरल फार्मिंग में, तो फिर सर मैंने बताया सर काउ डंग वगैरह जो यूरिन होता है उससे हम लोग जीवामृत प्रिपेयर करते हैं वो डालते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ये नेचुरल फार्मिंग में, तो फिर बोले कि नहीं एफवाएम डाल सकते हैं। तो फिर एक और सर थे वो उनको बताया कि लड़का सही बोल रहा है ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग में हम लोग नहीं डालते हैं एफवाएम, ठीक है। उसके बाद सर फिर लास्ट जो मेम्बर थे वो थोड़ा बोले कि आपको आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है, फिर वहाँ से वो थोड़ा फंसाने का ट्राई कर देते हैं उनको। फिर वो पूछे कि आप एज ए सॉयल साइंस स्टूडेंट एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट को कैसे हेल्प करेंगे, तो वहाँ थोड़ा मैं पैनिक हो गया क्योंकि सर नया नया क्वेश्चन था, कभी कोई क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन आएगा। तो फिर वहाँ सर एक आंसर दिए हम कि सर कुछ जो कुछ डिजीज जो होते हैं वो सॉयल बॉर्न डिजीज होते हैं, तो अगर हम उन्हें उनको सॉयल के बारे में बताएंगे तो वो उसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे सॉयल बॉर्न डिजीज को। तो फिर वो पूछे सॉइल बॉर्न डिजीज कौन सा होता है, तो बताया सर विल्ट होता है, फ्यूजेरियन विल्ट होता है, तो कहाँ लगता है, तो बता दिए ग्राम में लगता है। फिर सर पूछे वो लोग कि हम लोग फंजीसाइड कैसे अप्लाई करेंगे इसमें, यहाँ पे इस फील्ड में जिसमें सॉइल बॉर्न डिजीज है वहाँ कैसे अप्लाई करेंगे, तो वहाँ सर ये सर वहाँ भी गलती की है, वहाँ सर बोल दिए डस्ट के फॉर्म में और स्प्रेइंग भी करेंगे,
वो पूछे कि स्प्रेइंग करेंगे, तो बोले नहीं सर वो प्लांट में कर सकते हैं। फिर सर लास्ट में पूछे कि आपका जो क्रॉप था कौन सा क्रॉप लगा हुआ था आपका ट्रायल में, तो रिसर्च में, तो फिर बताएं सर सोयाबीन और वीट का इंटरक्रॉपिंग था। तो फिर पूछे कि वीट में फॉस्फोरस का डिफिशियंसी हम लोग कैसे पता करें, तो सर ये हम रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ सॉरी बोल दिया सर कि रिकॉल नहीं कर पा रहे। फिर लास्ट में सीड रेट पूछे वीट का, तो जो भी जीरो टी डेज का होता है और ड्यू टू का नॉर्मल जो होता है ब्रॉडकास्टिंग का, तो बहुत ठीक चलिए बहुत अच्छा रहा है। सारे प्रश्न का लगभग तो 80% आंसर दे ही दिए हो गया सिनोवेट हाँ तीन चार क्वेश्चन में सॉरी बोल रहे हैं सर। बाकी सबका तो दे ही दिए हो। अच्छा है, ऑलमोस्ट सब कर दीजिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और लगभग जो जैसे हम लोग करवा रहे थे लगभग क्वेश्चन वैसे ही पूछा जा रहा है, वही क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन इजी एग्रीकल्चर था, थोड़ा जल्दी जल्दी पूछ रहे थे वो लोग, इजी इजी छोटे बोलने छोटे नहीं दे रहे क्वेश्चन थे, क्योंकि डायरेक्ट वाला था, डायरेक्ट आपको आंसर। नंबर भी उसी हिसाब से देगा क्योंकि आप पे प्रेशर ज्यादा बनाया उन्होंने और उस प्रेशर को बिल्कुल आपने झेला है। लगभग 70% आंसर दिया है, आपका नंबर अच्छा आएगा, देख लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। उनको पता है कि अगर इसके साथ हम फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं 160 के स्पीड में है, तो खेल भी तो रहा है उसी तरह से। आपका अच्छा गया है, बहुत बढ़िया गया है। रिटेन का क्या स्थिति है वह देख लीजिएगा, लेकिन इंटरव्यू आपका ठीक गया है।